हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12th। मिसलेनियस एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेट फंक्शन दे रखा है हमें आर टू आर, रियल टू रियल के लिए भी डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x+7। और क्या दे रखा है हमें, फंक्शन 10x+7, फाइंड द फंक्शन जी। हमें एक फंक्शन जी फाइंड करना है जो आर टू आर, रियल टू रियल के लिए, सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए आर। ये तीनों चीज़ें हमें इक्वल प्रूव करके दिखानी है। कैसे, देखो, गिवन दैट फंक्शन आर टू आर दे रखा है और फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 10x+7। 10x+7 हमें एक फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ओ एफ एफ ओ जी, उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। लेट एफ एक्स वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब भी एक्स हमारे पास और वाई हमारे पास दोनों के दोनों क्या एक रियल नंबर है, तो क्या आ जाएगा, 10x+7 इज इक्वल टू 10y+7। 7 से 7 कैंसिल, 10x इज इक्वल टू 10y, 10 से 10 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा। फंक्शन में वैल्यू तब इक्वल आएगी जब दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल है हमारे पास। तो क्या बोल देंगे, f इज ए 1 1, और अगर f 1 1 है तो फिर हम प्रूव करेंगे कि फॉर y बिलोंग्स टू r और y इज इक्वल टू 10x+7 है, तो इसको हम क्या प्रूव करेंगे, ऑन टू। इसके लिए x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या आएगा, 7 को उधर लेके गए y माइनस 7 और 10 को इधर लेके आएंगे डिवाइडेड बाई 10, तो y माइनस 7/10 जो कि बिलोंग करेगा किसे, रियल नंबर से। देर फॉर फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू आर देर एग्जिस्ट, x इज इक्वल टू क्या है वाई, अगर हमारे पास जो y है वो बिलोंग करता है r से, तो x भी किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा। y माइनस 7/10 बिलोंग्स टू r, सच दैट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आया, वाई माइनस 7/10, और फंक्शन क्या है, 10x+7, 10 एज इट इज, एक्स की जगह क्या रख देंगे, वाई माइनस 7/10 और प्लस 7, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, वाई माइनस 7+7, 7 से 7 कैंसिल इज इक्वल टू क्या आया, वाई। और आपको पता है कि अगर हमें इसके अंदर एक्स की वैल्यू अप्लाई करने से वापस वाई के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू। तो क्या बोल देंगे, फंक्शन इज ऑन टू, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, देन एफ इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो क्या बोल देंगे कि फंक्शन कैसा है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। और इन्वर्टेबल फंक्शन है तब हम किसको डिनोट करते हैं, जी को। लेट अस डिफाइन जी आर टू आर एज जी वाई इज इक्वल टू, जी वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस 7/10 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्स निकालने से आता है उसके इक्वल आ गया, जी डिफाइन कर रखा था इसी पे। अब हमें प्रूव करना है जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। जी ओ एफ, जी एज इट इज रख लेंगे, एफ को क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एज इट इज, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 10x+7 इज इक्वल टू, अब जी वाई था हमारे पास, वाई की जगह हमें क्या रखना है, 10x+7, तो वाई की जगह क्या रख दिया, 10x+7 माइनस 7/10, प्लस 7 से माइनस 7 कैंसिल हो गया, 10x/10 बच गया, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, एक्स। इसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या, एफ ओ जी, एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई, एफ को बाहर रख लेंगे, जी वाई, जी वाई हमारे पास कितना है, जी वाई हमने निकाला का वाई माइनस 7/10, इसको फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, एफ एफ हमारे पास क्या, 10x+7, 10 एज इट इज एक्स की जगह रख देंगे, वाई माइनस 7/10 प्लस 7, 10 से 10 कैंसिल, वाई माइनस 7+7, 7 से 7 कैंसिल इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास जब हमने एफ ओ जी जी ओ एफ पुट किया तो जी ओ एफ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ऑफ आर, मीन्स एक्स आ गया कि एक्स अप्लाई किया और एक्स आ गया, और यहाँ पर हमने वाई पे अप्लाई किया तो फंक्शन वाई आ गया, तो क्या बोल देंगे, जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी आर, एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आर, तो ये दोनों किसके इक्वल आ गए, आइडेंटिटी आर के इक्वल आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेट एफ ऑफ W टू W, W हमारे पास वॉल नंबर है, तो क्या दे रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो वॉल नंबर से वॉल नंबर पर है, बी डिफाइन एज एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन माइनस 1 इफ एन इज ओड, जब हमारे पास एन ओड है तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 और एन प्लस 1 आएगा जब एन इज इवन, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, हमें प्रूव करना है कि एफ वो कैसा है, इन्वर्टेबल। गिव फाइंड द इनवर्स, उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, ईयर
W इज द सेट ऑफ ऑल वॉल नंबर्स, और जो W है वो सेट ऑफ ऑल वॉल नंबर्स दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे पास क्या आया, फंक्शन हमारा W टू W इज डिफाइन, हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है जिसका नाम हमने क्या रख लिया, फंक्शन बनाने के लिए एफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन आ जाएगा इफ एन इज ऑड और एन प्लस वन इफ एन इज इवन, दोनों कंडीशन आपको दी हुई है। अब वन वन प्रूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट एफ एन इज इक्वल टू एफ एम कि एन की वैल्यू वन एन पुट कर दे और एम कोई भी दो अप्लाई कर दे और दोनों को हम क्या दिखा दें कि दोनों हमारे पास से इक्वल होंगे तभी इक्वल आती हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इफ एन इज ओड एंड एन इज इवन देन वी विल एन माइन, अगर हमने मान लिया कि एक तो हमारे पास ओड ले लिया और एक हमने क्या ले लिया इवन ले लिया और वहाँ हमने क्या लिया एन और एम इक्वल ले लिए, तो इक्वल ले लिए तो ओड होगा तब क्या आएगा एन माइनस वन और जब इवन होगा तब क्या आएगा एम प्लस वन आ जाएगा। तो एन माइनस एम इसको इधर लेके आए माइनस वन को उधर लेके गए प्लस हो गया एन माइनस एम इज इक्वल टू टू, दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि एन में से एम को माइनस करें टू की इक्वल आ जाए क्योंकि एन ओड है और एम इवन है। मान लिया ओड हमने थ्री मान लिया और इवन हमने टू मान लिया, तो थ्री में से टू जाएगा वो वन हो सकता है या फिर फाइव ले लेंगे और टू ले लो, या टू ले लिया मान लिया फाइव में से टू गया थ्री, तो ये तो टू के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से बोथ एन एंड एम मस्ट बी आइदर ओड और इवन, अगर हमारे पास दोनों एन और एम या तो ओड हो या फिर इवन हो। नाउ इफ बोथ एन एंड एम आर ओड, हमने मान लिया कि दोनों एन और एम दोनों कैसे हैं ओड हैं, अगर दोनों ओड हैं तो क्या लिख देंगे एफ एन इज इक्वल टू एफ एम एन माइनस वन हो जाएगा क्योंकि फंक्शन एन माइनस वन है, फिर यहाँ एम ले रखा है तो एम माइनस वन हो गया, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल क्या आ जाएगा एन इज इक्वल टू एम। अगेन इफ बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है तो प्लस में ले लेंगे एन प्लस वन इज इक्वल टू एम प्लस वन, वन से वन कैंसिल तो एन इज इक्वल टू एम आ जाएगा एफ इज वन वन। हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर इवन है तो इवन के लिए ओड है तो ओड के लिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा वन वन। फॉर ऑन टू उसके बाद हम प्रूव करेंगे ऑन टू, लेट एन बी द आर्बिट्रेरी वॉल नंबर इफ एन इज ओड नंबर, अगर हमारे पास एन हमने क्या ले लिया कोई भी वॉल नंबर ले लिया और एन हमारे पास कैसा है ओड नंबर, देन देयर एग्जिस्ट एन एवरी वॉल नंबर एन प्लस वन सच दैट, अगर एन हमारे पास ओड नंबर है तो हमारे पास वॉल नंबर इवन वॉल नंबर, तो इवन वॉल नंबर क्या आ जाएगा, ये ओड नंबर इसमें वन ऐड कर देंगे तो क्या बन गया एक इवन नंबर बन गया। एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन की जगह हमने क्या रख दिया एन प्लस वन और माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा क्या आया वापस एन के इक्वल आ गया जो कि ओड लेके चले थे, तो ओड आ गया हमारे पास। इफ एन इज इवन नंबर, अगर एन हमारे पास इवन नंबर है तो ओड नंबर ओड वॉल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे उसमें से वन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा एन माइनस वन, सच दैट फंक्शन ऑफ एन माइनस वन अप्लाई कर देंगे तो एन माइनस वन प्लस वन, क्योंकि फंक्शन कैसा था इवन, इवन में हम क्या करते हैं फंक्शन प्लस वन करना है, तो फंक्शन क्या है एन माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल इज इक्वल टू एन। देयर फॉर एवरी एन, तो हमें क्या पता चल गया कि हर एक जो एन है वो बिलोंग करता है वॉल नंबर से, हैज़ इट्स प्री इमेज इन डब्ल्यू, और उसकी प्री इमेज किसके अंदर है डब्ल्यू के अंदर, सो एफ ऑफ फंक्शन डब्ल्यू टू डब्ल्यू इज ए सर्जेक्टिव, तो हमारे पास डब्ल्यू से डब्ल्यू जो फंक्शन वो कैसा हो गया ऑन टू, दस एफ इज इन्वर्टेबल, इसीलिए वन वन हो गया और ऑन टू हो गया तो फंक्शन क्या होगा इन्वर्टेबल एंड एफ इनवर्स एग्जिस्ट, और क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, एफ इनवर्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर लेके आएंगे तो वाई प्लस वन एंड वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे एन प्लस वन, जब इवन है ये ओड के लिए ले लिया ये इवन के लिए, इवन के लिए लेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई माइनस वन, अगर ओड है हमारे पास तो क्या आ जाएगा वाई प्लस वन और इवन है तो क्या आ जाएगी वाई माइनस वन। एफ डैश एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इफ एन इज ओड एन प्लस वन इफ एन इज इवन, तो एफ इनवर्स वाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा वाई के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ एफ ऑफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फाइंड करना है हमें एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अब फंक्शन पे फंक्शन अप्लाई करना है एफ ऑफ एफ एक्स, तो क्या कर देंगे एफ को बाहर रख लिया एफ एक्स
एफ एक्स एफ ओ एफ के लिए यही निकालना पड़ता है, तो एफ एक्स में क्या रख देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ किसके ऊपर, एफ एक्स, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। जहाँ भी हमारे पास एक्स है फंक्शन में ये वैल्यू अप्लाई करनी है एक्स की जगह, तो इसमें अप्लाई करो एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह में क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री, और एक्स की जगह फिर क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर से ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी, तो अप्लाई कर दिया, कैसे आया देखो, इसका स्क्वायर कर देंगे x की 4 आ जाएगी प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 और 2 साथ में लगाना है, 2 ए बी 2 3 जा 6 एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस आ गया, माइनस 2 ए सी तो हमारे पास 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, माइनस 12 एक्स प्लस 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वेयर 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 9 एक्स माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2। अब हमारे पास क्या आया, एक्स की 4 प्लस 4 से प्लस 4 है हमारे पास और प्लस 2 है, प्लस 6 हो गया और माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की 4 माइनस 6 एक्स क्यूब 9 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर और माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, 9 4 में से 3 गया 1 और 9 प्लस 1 10 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स 12 एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 3 एक्स आ जाएगा, ये आया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शन कहाँ है आर टू, अपॉन कहाँ दे रखा है कि एक्स जो वो कहाँ है, एक्स बिलोंग करता है आर से बट माइनस वन से वन के बीच में अप्लाई करना है, डिफाइन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस मोड एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये प्रूव करना है कि वन वन और ऑन टू फंक्शन है, कैसे, एफ इज वन वन फॉर एनी, अगर वन वन है तो दो नंबर ले लेंगे कोई भी एक्स और वाई जो कि आर से बिलोंग करेगा और कहाँ तक बिलोंग करेगा, पॉजिटिव नेगलेक्ट कर देंगे पॉजिटिव नंबर वन को, क्यों कर देंगे पॉजिटिव नंबर वन को नेगलेक्ट, अगर यहाँ पे वन वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास खत्म हो जाएगा, वी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स बाई वन प्लस मोड एक्स और इधर क्या आ जाएगा, वाई अप्लाई कर देंगे वाई बाई वन प्लस मोड वाई, इधर से एज इट इज आ जाएगा, जब पॉजिटिव लिया है ये नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, आना तो पॉजिटिव है तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई बाई वन प्लस वाई, अप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल तो किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल आ गया, सो एफ इज वन वन, तो हमारे पास क्या हो गया कि एफ है वो वन वन फंक्शन है, इफ एफ इज वन वन, अगर हमारे पास एफ है जो वो वन वन है, लेट वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर है, नेगलेक्ट कर देंगे वन को, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, तो एफ एक्स क्या था, एक्स बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई, इसको अप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या आ जाएगी वाई माइनस, कैसे निकालेंगे हम वैल्यू, एक्स इज इक्वल y है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू वाई बाई वन माइनस वाई, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू वाई बाई वन माइनस वाई, इट इज़ क्लियर दैट x बिलोंग्स टू r, अब हमारे पास ये चीज़ क्लियर है कि जो x है वो बिलोंग करता है r से, फॉर ऑल y इज इक्वल टू r एक्सेप्ट वन, आल्सो x हमारे पास माइनस वन के इक्वल नहीं होगा, क्यों, बिकॉज x इज इक्वल टू माइनस वन, अगर हम x को माइनस वन लेते हैं तो क्या आता है, y बाई वन माइनस y इज इक्वल टू माइनस वन, तो y इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन प्लस y, तो y से y कैंसिल हो गया माइनस वन आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, दस फॉर ईच आर एक्सेप्ट वन देर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y बाई वन माइनस y, अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, x बाई एक्स प्लस वन, x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी यहाँ से, वन वाई बाई वन माइनस वाई, तो एक्स की जगह रखेंगे वाई बाई वन माइनस वाई अपॉन
वाई बाई वन माइनस वाई प्लस ए, वन एलसीएम ले लेंगे इधर से, ऊपर क्या है वन माइनस वाई, नीचे एलसीएम ले लेंगे वन माइनस वाई, ऊपर वाई आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा वाई, और इसके मल्टीप्लाई प्लस वन माइनस वाई, इससे ये कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, क्या आया वाई बाई वन, तो किसके इक्वल आ गया वाई के इक्वल, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया ऑन टू, तो क्या बोल देंगे कि फंक्शन इज ए ऑन टू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज ए इंजेक्टिव, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन कैसा है इंजेक्टिव। सिंपल चीज़ है बिल्कुल, कि दो हम वैल्यू ले लेंगे एक्स वन और एक्स टू जो बिलोंग करते हैं यहाँ से, दोनों को अप्लाई कर देंगे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है एक्स क्यूब दे रखा है, तो अप्लाई कर देंगे एक्स वन का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो क्या बोल देंगे एफ इज वन वन फंक्शन, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव, वन वन को ही हम क्या बोलते हैं इंजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ नेचुरल नंबर टू जेड एन टू जेड एंड जी, हमारे पास क्या दे रखा है जेड टू जेड, सच दैट जी ओ एफ इज इंजेक्टिव, हमें क्या बताना है जी ओ एफ कैसा इंजेक्टिव है, बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, जी ओ एफ इंजेक्टिव है लेकिन जी इंजेक्टिव नहीं है। हिंट हमारे पास क्या दे रखी है कि कंसिडर कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, दो फंक्शन ले लिए, एफ हमारे पास क्या है नेचुरल टू जेड एंड जी हमारे पास क्या है जेड टू जेड, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया एक्स ले लिया, जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स ले लिया, तो जी ओ एफ निकालेंगे, जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स, तो जब अप्लाई करेंगे जी के अंदर तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो मोड ऑफ एक्स वो वापस किसके इक्वल आ गया जी एक्स के इक्वल आ गया, तो क्या बोल देंगे जी ओ एफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट ए इंजेक्टिव, जी ओ एफ तो इंजेक्टिव है बट जी इंजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू फंक्शन एफ एन टू एन एंड जी एन टू एन सच दैट जी ओ एफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू, जी ओ एफ तो हमारे पास ऑन टू आ जाए और एफ वो नॉट ऑन टू आ जाए। हिंट दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लेंगे और जी एक्स हमारे पास दो कंडीशंस में दे रखा है, कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन वन और वन आ जाएगा इफ एक्स इज इक्वल टू वन आ जाए। वी शो दैट एफ इज नॉट ऑन टू, हमें प्रूव करना है कि जो एफ है जो फंक्शन है हमारे पास वो ऑन टू नहीं है, तो कंसिडर कर लेंगे कंसिडर एलिमेंट वन इन कोडोमेन एन, तो जो एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया जिसकी कोडोमेन है एन, इट इज क्लियर दैट दिस एलिमेंट इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट इन डोमेन एन, और ये जो हमारे पास है इसकी कोई भी कोडोमेन कोई भी इमेज नहीं मिलेगी किसके अंदर एन के अंदर, तो क्या बोल देंगे एफ इज नॉट ए ऑन टू, तो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नॉट ऑन टू के लिए जब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सभी के लिए सेम फंक्शन रहेगा और वन के लिए ये फंक्शन है, तो सभी के लिए सेम फंक्शन होगा, तो उसके अलावा जो नंबर्स बचेंगे हमारे पास उनके लिए तो कोई प्री इमेज है ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा नॉट ए ऑन टू की फंक्शन एफ एक्स है वो क्या आ जाएगा नॉट ए ऑन टू। नाउ जी ओ एफ इज इक्वल टू एन टू एन इज डिफाइंड बाई जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स जी एज इट इज एफ एक्स क्या एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जब अप्लाई करेंगे जी के अंदर इसको, तो क्या है एक्स माइनस वन है, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया एक्स प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल इज इक्वल टू एक्स आ गया, और जी ओ एफ जब हमने अप्लाई किया तो वापस एक्स आ गया, तो क्या आ गया ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई इसकी, तो देन इट इज क्लियर दैट फॉर वाई बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू एन सच दैट जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हैंस जी ओ एफ जी ओ एक्स इज ऑन टू, तो क्या बोल देंगे जी ओ एफ है वो हमारा कैसा है ऑन टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गिव ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है एक्स, कंसिडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ एक्स, पी एक्स हमारे पास पावर सेट दे रखा है एक जिसके अंदर ऑल सब्जेक्ट सबसेट ऑफ एक्स जो एक्स है उसके सभी सबसेट्स हैं, फोर सबसेट्स ए बी इन पी एक्स ए आर बी, ए रिलेशन है बी के साथ इफ एंड ओनली इफ
जब ए सबसेट है बी का, इज आर इज एन इक्विलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो आर है वो एक इक्विलेंस रिलेशन है ऑन पी एक्स। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो क्या बोल देंगे ए का रिलेशन होगा ए के साथ, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, तो क्या आ जाएगा, और जो ए है वो बिलोंग करता है पावर सेट से, तो क्या आ जाएगा, आर इज ए रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारे पास क्या है, ए आर बी, ए से रिलेटेड है बी, तो क्या है इसका मीनिंग क्या है, जब रिलेशन यूज कर रहे हैं तो क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, दिस कैन नॉट बी इम्प्लाइड टू, लेकिन हम इसको ये नहीं बोल सकते कि बी सबसेट ऑफ ए है, इफ अगर हमने मान लिया ए के अंदर 1, 2 है, बी के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड दैट बी इज रिलेटेड टू ए, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो बी है वो पूरा का पूरा रिलेटेड है ए से, बट ए है वो पूरा रिलेटेड है बी से, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट ए सिमेट्रिक आ जाएगा कि जो बी है वो सबसेट है, नहीं है ए का, बट ए है वो बी का सबसेट है। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए सब, तो इसके अंदर क्या है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ए है वो भी सी का सबसेट होगा, हो जाएगा ये, तो अब ए हो गया, बी हो गया और सी हमने क्या ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5 ये ले लिया, तो ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ठीक है, और जो बी सबसेट है वो किसका, सी का, तो जो ए है 1, 2 वो भी तो सबसेट हो गया सी का, तो हो गया, तो क्या लिख देंगे कि आर इज ए ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट इक्विलेंस रिलेशन, क्योंकि हमारे पास इक्विलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट इसमें सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या बोल देंगे, नॉट ए इक्विलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है 9th, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन पी एक्स क्रॉस पी एक्स एक्सटेंड्स टू पी एक्स गिवन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन बी, ऑल ए बी इन पी एक्स, और जितने भी ए बी हैं वो किसके अंदर हैं, पी एक्स के अंदर, पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, जो कि पावर सेट है किसका, एक्स का, शो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, हमें प्रूव करना है एक्स एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन पी एक्स विद स्टार ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन के लिए जो एक्स है वो कैसा है, इन्वर्टेबल एलिमेंट। इट इज गिवन दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार, हमें एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दे रखा है जो पावर सेट से पावर सेट पे, पी एक्स क्रॉस पी एक्स एक्सटेंड्स टू पी एक्स गिवन बाई ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन बी ऑल ए बी इन ए पी एक्स, वी नो दैट ए इंटरसेक्शन एक्स, फिर हमें क्या लेना है कि एक पावर सेट एक्स है पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, एक्स का पावर सेट है पी एक्स, और शो दैट एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एक्स भी होगा उसके अंदर, तो हमने क्या ले लिया ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, और एक्स इंटरसेक्शन ए है वो भी ए के इक्वल आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, कब आएगा, जब हमारे पास सभी के सभी ए हैं वो किसके अंदर हैं, ए सॉरी पी एक्स के अंदर पावर सेट के अंदर, तो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और एक्स स्टार ए, इसको हम ए स्टार लिख सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन का मीनिंग स्टार दे रखा है, तो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक्स वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए। नाउ एन एलिमेंट ए, अब हमारे पास एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग करता है पी एक्स, इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल है इफ देर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू पी एक्स, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स बी है जो बिलोंग करेगा पी एक्स से, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स, और बी स्टार ए भी किसके इक्वल आ जाएगा एक्स के अंदर, क्यों, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा ए स्टार बी इज इक्वल टू एक्स और बी स्टार ए इज इक्वल टू एक्स, तो स्टार को जब हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स और बी इंटरसेक्शन ए भी एक्स के इक्वल आ गया, दिस केस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कब, जब एक्स और ए और बी तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल है, तो क्या बोल देंगे, एक्स इज द ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट इन पी एक्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑपरेशन स्टार, तो हम क्या बोल देंगे कि जो एक्स है वो इन्वर्टेबल एलिमेंट है किसके अंदर, पी एक्स के अंदर, किसके रिस्पेक्ट में, विद गिवन ऑपरेशन, जो हमें स्टार ऑपरेशन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।